हेलो गाइस, आज हम इस सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ। WP के एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट के हिसाब से। तो चलो हम आज शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F=6T एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, द वर्क डन बाई फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 सेकेंड विल बी। ठीक है, एक फोर्स दे रखा है, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है 60, मास दे रखा 1 kg और स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो आपको फर्स्ट 1 सेकंड में वर्क डन बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए, हमको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, मास कितना दे रखा है 1 kg, फोर्स दे रखा है 6 × t। तो मैंने क्या निकाला, सबसे पहले एक्सीलेशन निकाला, तो एक्सीलेशन कितना आया 60/ मास, कितना आया 6 × t। एक्सीलेशन जो होता है वो होता है dv/dt, तो dv = कितना हो गया 60 × dt हो गया। तो v निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड। तो मैंने जब इंटीग्रेट किया तो v बना 6t² / 2, तो v बना 3t² और लिमिट पुट करी मैंने 0 से 1, तो v कितना बना 3 m/s। अब हमें पता है कि जब वेलोसिटी हमारे पास हो और वर्क डन निकालना हो, तो सबसे यूजफुल मेथड जो होता है वो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब अपन यूज़ करेंगे तो लगाएंगे W = चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन = ½mv² - u² तो वर्क डन = ½ × मास कितना है 1, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3 का स्क्वायर, इनिशियल कितना था 0 का स्क्वायर, तो वर्क डन कितना है 9/2 मतलब 4.5 जूल। थैंक यू, धन्यवाद।